नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिल सके। आज हम एक ऐसी नई भर्ती नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्व विभाग में निकली है एक भर्ती जो कि आप अपने गाँव में रहकर गाँव में ही काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मंथली सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन से विभाग में निकले हैं तो वो विभाग है राजस्व विभाग, और लोकेशन काम की लोकेशन क्या रहेगी तो वो खुद के गांव में ही रहेगी। ठीक है, खुद की पंचायत में ही रहेगी। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन जानते हैं, क्या पूरी डिटेल सभी जानकारी देंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश। ठीक है, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ 2024 मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावली का कार्य वर्ष में 3 बार किया जाता है, जैसे मौसम खरीफ रवि जायद। ठीक है, सारा ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाता है जिसमें जिसका उपयोग उपार्जन फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है। फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है जो कि प्रत्येक मौसम हेतु लगभग 45 दिवस की कार्यवाही है, जिसमें जियोफेस पार्सल लेवल तकनीक के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतरम में पूर्ण किया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, एमपी किसान ऐप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, स्थानीय युवा सर्वेयर पंजीयन का प्रशिक्षण, संबंधित पटवारी द्वारा आवंटित ग्राम में एक या एक से अधिक स्थानीय युवा जो इनकी आयु 18 से 40 वर्ष है एम का पंजीयन एमपी भूलक पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु कराया जाएगा, जो कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो एवं उसके पास मोबाइल फोन हो, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवा, ग्राम में उपयुक्त तो स्थानीय युवा ना होने पर, जैसे कि गांव में कोई 8वीं पास युवा नहीं होता है तो आप उसमें क्या कर सकती है, आईसाइट के युवाओं को भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि निकटतम ग्राम पंचायत के निवासरत युवा भी पंजीयन करा सकते हैं। स्थानीय युवा के चयन तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर इसमें महिलाएं आवेदन करती हैं तो पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्व निरीक्षण वृत्त स्तर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जाएगा। संबंधित पटवारी द्वारा भी सर्वेयर को गिरदावली के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। अब पोर्टल पर अब बात करते हैं कि यह सभी जानकारी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब पैसे सैलरी क्या मिलेगी वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों हमें निम्न सारणी है जिसमें आपको बताया गया है कि पंजीयन आप कब से कब तक कर सकते हैं। ठीक है, सर्वेयर पंजीयन का लास्ट तारीख है 10/7/2024, इसके आज से पंजीयन स्टार्ट हो चुके हैं। समस्त प्रशिक्षण आपको 15/7 तक दे दिए जाएंगे। किसान गिरदावली आपको कब से कब तक चढ़ाना है, 1/8/2024 से 15/9/2024 तक। सर्वेयर क्रॉप सर्वे कब तक करना है आपको, 1/8/2024 से 15/9/2024 तक। सुपरवाइजर सत्यापन करेगा कब तक, 20/9/2024 तक। किसान को अगर कोई दावा आपत्ति है तो वो 25/9/2024 तक बता सकता है। दावा आपत्ति का निराकरण 30 तक किया जाएगा और सभी करवे डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच आपको 10/9/2024 से 28/9/2024 तक करनी होगी। अब बात करते हैं राशि का भुगतान किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9वें पॉइंट में लिखा है राशि का भुगतान। स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वेयर नंबर प्रथम फसल हेतु 8 रुपये दिए जाएंगे। मतलब कि जैसे आप किसान का गिरदावली चढ़ाते हैं, गिरदावली चढ़ाएंगे तो जैसे ही आप एक किसान की गिरदावली चढ़ाएंगे तो उसके आपको 8 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर वो अतिरिक्त फसल दर्ज करवाता है कि भैया हमारे 2 खसरे हैं या 3 खसरे हैं तो उसके आधार पर आपको 2 रुपये खसरे वो अलग से दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रति सर्वेयर आपको 14 रुपये अधिकतम दिए जाएंगे, मतलब टोटल 8 और 2 10 और 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो जो कि आपको 14 रुपये प्रति प्रति किसान दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार संबंधित तहसील द्वारा नियत राशि के सत्यापन उपरांत आधार से लिंक बैंक खाते में आप युवा के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी और राज्य स्तर पर जो ट्रेनर रहेगा उसे 1000 रुपये का प्रावधान, सॉरी हाँ 1000 रुपये का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, जांच
जांच अधिकारी तहसीलदार द्वारा सर्वेयर की जान पूछ कर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व में पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन पर नियत सर्वे का कार्य कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप की कोई कंप्लेंट जाती है या कुछ आपसे संबंधित कलेक्ट जांच अधिकारी या तहसीलदार पास जाता है तो वो आपका पंजीयन निरस्त कर जो पहले से पंजीकृत है उनको ले सकते हैं या जो नए पंजीयन हुए हैं उनको ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये भर्ती निकली है, इसका आवेदन मैं आपको जल्द ही करके बताऊंगा। अगर आपको आवेदन करते नहीं आ रहा है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए कि हमें लाइव एक आवेदन फॉर्म डालकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद भी इसका एक आवेदन फॉर्म डालने वाला हूं। तो अगर आपको बता आपको आपके कमेंट आते हैं तो ज़रूर उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूंगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन भाई बहनों को सर्वेयर बनना है, ठीक है, गिरधावली अपडेट करनी है, सर्वेयर बनना है, तो वो ज़रूर वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।